आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को गायों से इतना प्यार क्यों था या गायें उनकी प्रिय क्यों थी। भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र के कोप से गोप गोपी और गायों की रक्षा की। अभिमान भंग होने पर इंद्र एवं कामधेनु ने भगवान को गोविंद नाम से विभूषित किया। गो शब्द के तीन अर्थ हैं, इंद्रियां, गाय और भूमि। श्री कृष्ण इन तीनों को आनंद देते हैं। गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। गो माता मातृशक्ति की साक्षात प्रतिमा है। वेदों में कहा गया है कि गाय रुद्रों की माता, वशुओं की पुत्री, अदिति पुत्रों की बहन और धृत रूप अमृत का खजाना है। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लोगों की कल्याणकारिणी जो पांच गायें उत्पन्न हुई थी, उनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, शुरभि, सुशीला और बहुला। इन्हें कामधेनु कहा गया है। संसार में पृथ्वी और गौ से अधिक क्षमावान और कोई नहीं है। ब्राह्मणों में मंत्रों का निवास है और गांव में हविष्य स्थित है। जो गाय है, गाय में हविष्य स्थित है। गाय को सर्वतीर्थमयी कहा गया है। गाय को इहलोक में मुक्ति दिलाकर परलोक में शांति दिलाने का माध्यम माना गया है। श्री कृष्ण की बाल लीला का मुख्य पात्र गायें ही थी। श्री कृष्ण का गाय चराने जाना, उनके मधुर वंशी ध्वनि पर गायों का उनकी ओर भागते चले आना, श्री कृष्ण का छोटी उम्र में हट करके गायों का दूध दोहना सीखना और प्रसन्न होना, गाय का माखन चराना, ये सारी चीजें हैं। नंद बाबा के पास 900,000 गायें थी। श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने गोचारण के लिए माँ यशोदा से आज्ञा मांगी। माता यशोदा का हृदय तो धक धक करने लगा कि इतनी दूर वन में मेरा प्राण धन अकेला कैसे जाएगा। उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा अभी तुम छोटे हो, पर कृष्ण की जिद के आगे वो हार मानी गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोचारण का मुहूर्त निकला। माता यशोदा ने प्रातःकाल ही सब मंगल कार्य किए और श्री कृष्ण को नहलाकर सुसज्जित किया। सिर पर मोर मुकुट, गले में माला तथा पीताम्बर धारण करवाया, हाथ में बेंत तथा नरसिंहा दिया, फिर पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कृष्ण ने जूते पहनने से मना कर दिया और माँ से कहा कि यदि तू मेरी सारी गायों की जूती पहना दे तो मैं इनको पहन लूंगा। जब गैया धरती पर नंगे पांव चलेगी तो मैं भी नंगे पांव जाऊंगा। श्री कृष्ण जब तक व्रज में रहे, उन्होंने ना तो सिले वस्त्र पहने, ना जूते पहने और ना ही कोई शस्त्र उठाया। श्री कृष्ण ने गोमाता के दावानल से रक्षा की। ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए, ब्रह्मा जी से छुड़ा कर इंद्र के कोप से रक्षा की। गायों को श्री कृष्ण से कितना सुख मिलता है वह अवर्णनीय है। जैसे ही गाय कृष्ण को देखती है वह इनके शरीर को चाटने लगती। हर गाय का अपना एक नाम है। कृष्ण हर गाय को उसके नाम से पुकारते हैं तो गाय उनके पास दौड़ी चली जाती हैं और उनके थनों से दूध चूने लगता है। समस्त गाय उनसे आत्मतुल्य प्रेम करती थी। गौ के बिना जीवन नहीं, गौ के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण भक्ति भी नहीं। जो व्यक्ति अपने को कृष्ण भक्त मानता है और शारीरिक और मानसिक रूप से वृंदावन में वास करता है, उन्हें तो विशेष रूप से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोपालन, गोरक्षा और गो संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।